बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हेल बॉय। ये कहानी शुरू होती है सन 1944 से। ये वो वक्त होता है जब वर्ल्ड वॉर टू लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन हिटलर अभी भी हार नहीं मानना चाहता। वो किसी भी कीमत पर यूएन को हराना चाहता है। वही यूएन सेना की एक टुकड़ी स्कॉटलैंड के एक टापू पर पहुंचती है। यहाँ पर ट्रॉन्डम एबी के खंडर होते हैं और यूएन की पूरी सेना आगे बढ़ना शुरू करती है। इनके साथ प्रोफेसर ट्रेवर ब्रूम भी होते हैं और वो इन्हें बताते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक साथ मिलते हैं, जहाँ पर हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के रास्ते मिल जाते हैं। लेकिन उनकी बातों पर किसी को यकीन नहीं आता। अब जब ये थोड़ी सी आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग कुछ काम कर रहे होते हैं और इन्हीं लोगों में एक आदमी होता है ग्रिगोरी, और ये हिटलर के लिए काम करता है। ग्रिगोरी के दो शिष्य भी होते हैं, एक का नाम होता है कार्ल और दूसरी का नाम होता है इल्सा। और अब कार्ल यहाँ पर कुछ करना चाहता है। दरअसल पिछले 5 सालों में उसने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिससे वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलेगा और ओग्रो जहाज तबाही मचाने वाले 7 देवता जो शीशे की दुनिया में कैद है उन्हें आजाद करवाएगा, ताकि ये इस युद्ध में हिटलर को जीत दिलवा सके। और वो अपना काम शुरू करता है और वहां पर दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन तभी यूएन की सेना इन पर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है और जो दरवाजा उन्होंने खोला होता है, प्रोफेसर ब्रूम उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंकते हैं और जब वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो दरवाजा बंद हो जाता है। और दरवाजा बंद होने के साथ साथ ग्रिगोरी भी उस दरवाजे के अंदर खींचा चला जाता है और वो पूरी तरह से उस दरवाजे के अंदर जाकर गायब हो जाता है। और ग्रिगोरी के शिष्य कार्ल और इल्सा यहाँ से भाग जाते हैं और बाकी जितने भी जर्मन्स होते हैं उन्हें यूएन की सेना मार देती है। अब ब्रूम जो कि जख्मी हो चुके हैं वो कहते हैं कि दूसरी दुनिया का दरवाजा बहुत देर तक खुला हुआ था, जरूर अंदर से कोई ना कोई बाहर आया होगा। और तभी उन्हें पीछे कुछ हलचल होती हुई नजर आती है और जब वो वहां पर देखते हैं तो वहां पर उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखता है जिसका एक हाथ बहुत बड़ा होता है और ये पूरी तरह से लाल रंग का होता है। प्रोफेसर ब्रूम उसे एक चॉकलेट देते हैं और उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। ये बच्चा दूसरी दुनिया का बच्चा है और इसके बाद सेना इस बच्चे का नाम रखती है हेल बॉय। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और 60 साल बीत जाते हैं और 60 सालों के बाद ग्रिगोरी के दोनों शिष्य इल्सा और कार्ल एक आदमी को एक पवित्र जगह पर ले जाते हैं और वहां पर ले जाकर उस आदमी को वो मार देते हैं और उसके रक्त की धार एक जगह जाकर इकट्ठा होती है। और ग्रिगोरी जो दूसरी दुनिया में गायब हो गया था वो एक बार फिर से वापस इसी दुनिया में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि ब्रूम अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो बीमार हैं और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आप 6 हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। डॉक्टर्स चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, लेकिन ब्रूम बोलते हैं कि मैं अपने घर पर रहना ज्यादा पसंद करूंगा, मुझे अपने बेटे के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं। और वो वापस अपने रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं। इसका नाम होता है BPRD, यानी कि ब्यूरो ऑफ पैरानॉर्मल रिसर्च एंड डिफेंस सेंटर। ये गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मिला होता है। अब ब्रूम यहाँ पर FBI के एक एजेंट जिसका नाम जॉन होता है उसका ट्रांसफर करवा लेते हैं। दरअसल उन्होंने इसे कई सारे एजेंट्स में से चुना होता है और ब्रूम जॉन को सबसे पहले एप सेपियन से मिलवाते हैं। ये एक अजीब सा प्राणी होता है। ब्रूम बताते हैं कि ये हमें एक हॉस्पिटल के खुफिया तहखाने में मिला था और इसकी खासियत ये है कि ये किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है। ये एक दिन में 4 किताबें पढ़ता है, वो भी चारों एक साथ। इसके बाद ब्रूम उसे आगे ले जाते हैं और वहां पर एजेंट क्ले आते हैं। ब्रूम बोलते हैं कि इन्हें अपने साथ ले जाओ और एजेंट क्ले उसे एक कमरे के अंदर ले जाते हैं और उस कमरे के अंदर हेलबॉय होता है। हेलबॉय अब बहुत बड़ा हो चुका है, हालांकि 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन हेलबॉय अभी भी बहुत जवान और बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इंसान की उम्र के 4 साल और हेलबॉय की उम्र का 1 साल बराबर होते हैं। यानी कि इंसानी वक्त के हिसाब से वो 60 साल का है, लेकिन उसके शरीर की और उसकी ताकत की उम्र मात्र 20 साल होती है। जॉन उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि आज से पहले उसने उसके बारे में सिर्फ कॉमिक्स में पढ़ा था और आज जब वो उसे अपने सामने देखता तो उसे यकीन ही नहीं होता। हेलबॉय एजेंट क्ले से पूछता है कि ये बच्चा कौन है। वो कहता है कि ये तुम्हारा साथी है। हेलबॉय बोलता है कि मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं है। तभी एजेंट क्ले जॉन को धीरे से बोलता है कि उसे चॉकलेट दो। दरअसल ये चॉकलेट जॉन को ब्रूम ने दी होती है और जब वो उन चॉकलेट्स को हेलबॉय को देता है, हेलबॉय पूछता है क्या पिताजी आ गए।
क्ले बोलता है कि हाँ वो आ चुके हैं। हेलबॉय पूछता है क्या वो अभी भी नाराज हैं। क्ले कहता है कि अगर तुम बिना पूछे बिना काम के बाहर जाओगे तो वो नाराज होंगे। हेलबॉय बोलता है कि मुझे उस लड़की से मिलना था, और तभी वहां पे एक अलार्म बजता है और ये अलार्म होता है खतरे का। और इसके बाद हेलबॉय एब वो प्राणी जो एक दिन में 4 किताबें पढ़ता है और दूसरों का दिमाग भी रीड कर लेता है, और जॉन उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक घटना घटी है। ये एक म्यूजियम है जहां पर एक अजीब सा प्राणी आ गया जिसने कई लोगों को मार दिया है, और अब ये सब के सब उसके अंदर जाते हैं। एब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हेलबॉय को बताता है कि वो अंदर है। हेलबॉय सबको बोलता है कि तुम बाहर ही रुको, और वो अंदर चला जाता है। और अंदर एक अजीब सा क्रिएचर होता है, इसका नाम समाइल होता है, और चंदी पलों में हेलबॉय उसे मार देता है। और जब वो बाहर आ रहा है तभी एब उसे बताता है कि मैंने उसके बारे में पढ़ा है, ये वो जीव है जिसके अंदर वो शक्ति है जो मरकर भी जिंदा हो जाता है। और हेलबॉय समझ जाता है कि मैंने उसे मार तो दिया लेकिन वो अभी मरा नहीं, वो जिंदा है। और एक बार फिर से इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, और हेलबॉय एक बार फिर से उसे मार देता है और वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद वहां पर ब्रूम, एब और इनकी पूरी टीम आती है। यहाँ पर जो सामान होता है उस सामान को छूने के बाद एब ये पता लगाता है कि यहाँ पर हुआ क्या था, और उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर ग्रिगोरी, इल्सा और कार्ल आए थे। ये वही लोग हैं जो आज से 60 साल पहले स्कॉटलैंड के एक तट पर दूसरी दुनिया से बुराई के 7 देवताओं को इस दुनिया में लाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त इन्हें रोक लिया गया था। और अब ये एक बार फिर से इस दुनिया में आ चुके हैं, और इस जीव को जिसे अभी अभी हेलबॉय ने मारा है उसे भी कैद से ग्रिगोरी ने ही छुड़ाया होता है। और ग्रिगोरी ये कहता है कि तुम्हारी हर एक मौत तुम्हारे लिए 2 जिंदगियां लेकर आएंगी। ये सब जानने के बाद ब्रूम बहुत परेशान हो जाते हैं, और यहाँ पर एब जब ब्रूम के शरीर में हाथ लगाता है तो उसे पता चल जाता है कि वो बहुत बीमार है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि हेलबॉय एक मेंटल हॉस्पिटल जाता है, और वहां पर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम लिज होता है। ये पहले इन्हीं के साथ रहा करती थी, और इसके अंदर आग को पैदा करने की शक्ति होती है, लेकिन वो शक्ति इसके कंट्रोल में नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर होती है। हेलबॉय उसे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ वापस चलना चाहिए। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर कई दिनों से कोई हादसा नहीं हुआ है, और अब मैं अपनी आग को कंट्रोल भी करने लगी हूँ। और तभी वहां पर ब्रूम, एब, जॉन और बहुत सारे एजेंट्स आ जाते हैं, और वो हेलबॉय को वहां से वापस ले जाते हैं। अब हेलबॉय के हाथ में उस क्रिएचर से लड़ते हुए एक घाव का निशान बन गया होता है, और जब एब उसे देखता है तो उसके अंदर उसी जीव के जिसे हेलबॉय ने मारा था उसके अंडे होते हैं। एब बताता है कि ये अपने डंग के जरिए कहीं पर भी अंडे छोड़ सकता है। ये सिर्फ 2 चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक गर्मी और दूसरा रोशनी, और इन अंडों को पनपने के लिए सीलन और अंधेरे की जरूरत है। अब हेलबॉय ने उस क्रिएचर को एक ट्रेन के टनल में मारा होता है, और ऐसा वातावरण वहां पर है। ब्रूम हेलबॉय को बोलते हैं कि कल तुम एब के और बाकी एजेंट्स के साथ वहां पर जाओगे, और वहां पर जितने भी अंडे होंगे उन सबको नष्ट करोगे। और अगले दिन हेलबॉय, एब, एजेंट क्ले और 2 और एजेंट्स वहां पर जाते हैं, और वो वहां पर अंडे ढूंढना शुरू करते हैं। एब पानी के अंदर जाता है, और वो देखता है कि वहां पर उस जानवर ने बहुत सारे अंडे दिए होते हैं, और एक बहुत बड़ा क्रिएचर अंदर भी होता है, और वो एब को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एब वहां से बाहर आ जाता है। वहीं बाहर एक और क्रिएचर होता है जो 2 एजेंट्स को मार देता है, पर वहां पर हेलबॉय आ जाता है, और इसके बाद हेलबॉय के बीच में और उस क्रिएचर, उस दानव के बीच में एक बार फिर से लड़ाई होती है, और हेलबॉय एक बार फिर से उसे मार देता है। लेकिन नीचे ग्रिगोरी का शिष्य कार्ल भी होता है, इस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता, और वो एजेंट क्ले को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और जब वहां पर हेलबॉय आता है तो वो पहले जमीन पर लेट जाता है ताकि उसे ऐसा लगे कि वो मर चुका है, और हेलबॉय को भी ऐसा लगता है। और अब क्ले बहुत बुरी तरह से जख्मी है, एब भी बहुत बुरी तरह से जख्मी है, और जल्द से जल्द अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो ये क्रिएचर पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। वहां पर ये दिखाते हैं कि जिस क्रिएचर को हेलबॉय ने मारा होता है उसके अंदर से 2 रोशनियां निकलती हैं, यानी कि जब भी ये किसी एक क्रिएचर को मारेंगे तो वो 2 रूप में पैदा हो जाएगा। वहीं जॉन लिज को मनाकर वापस उस ठिकाने पर ले आता है जहां पर हेलबॉय, एब, ब्रूम ये सब रहते हैं। ब्रूम लिज को देखकर बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम वापस आ जाओ। लिज कहती है कि मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए आई हूं, इसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी। तभी वहां पर हेलबॉय भी आ जाता है और वो लिज को देखकर बहुत खुश होता है। दरअसल वो लिज से प्यार करता है, लेकिन अभी तक उसने लिज से अपने प्यार का इजहार नहीं किया।
वो कई सारे लेटर्स लिखता है ताकि वो अपने दिल की बात उनमें लिख सके, और तभी वहां पर लिज आ जाती है। लिज उसे बताती है कि मैं बाहर जा रही हूँ कॉफी पीने के लिए। हेलबॉय पूछता है किसके साथ? वो बताती है कि जॉन के साथ। इस बात से उसे गुस्सा आता है, उसे लगता है कि ये जॉन को पसंद करती है, और लिज जॉन के साथ बाहर कॉफी पीने चली जाती है। लेकिन हेलबॉय उनका पीछा करता है और अंदर ही अंदर इस बात से दुखी हो रहा होता है कि अब लिज और जॉन एक साथ हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि लिज भी उसे पसंद करती है, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होती है और वो यही सारी बातें जॉन से कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मिस्टर ब्रूम कार्ल की बॉडी को चेक करते हैं, जिसने मरने का बहाना किया होता है, और वो देखते हैं कि उसकी बॉडी में खून की एक बूंद भी नहीं होती। उसका जन्म 1897 में हुआ था, यानी कि ये इंसान नहीं होता। और जब मिस्टर ब्रूम नीचे चले जाते हैं तो ऊपर ये दिखाया जाता है कि कार्ल उठ जाता है और वो अपने कपड़े पहनकर नीचे आ जाता है जहां पर मिस्टर ब्रूम होते हैं। मिस्टर ब्रूम कार्ल को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये एक चाल थी। वो कहते हैं कि मैंने कठपुतली को तो देख लिया, लेकिन इसे चलाने वाला कहाँ है? और तभी ये दिखाया जाता है कि वहां पर सोफे पर ग्रिगोरी बैठा होता है। वो कहता है कि बहुत खूब प्रोफेसर ब्रूम। वो प्रोफेसर ब्रूम को बताता है कि आज से 60 साल पहले अगर तुमने हेल बॉय को खत्म कर दिया होता तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि मैं तुम्हें भविष्य की एक झलक दिखाना चाहता हूँ, और वो प्रोफेसर के सिर पर हाथ लगाता है और प्रोफेसर को विजन्स आते हैं और उनमें वो ये देखते हैं हेल बॉय के दोनों सींग पूरी तरह से बढ़ चुके हैं और पूरी दुनिया जल रही है। वो प्रोफेसर ब्रूम को कहता है कि तुम्हारा ऊपर वाला हमेशा खामोश रहता है, लेकिन जब भी मैं मरता हूँ मेरा मालिक मेरे अंदर समाकर मुझे जिंदा कर देता है, और उन्होंने मुझे उस बच्चे का नाम भी बताया जिसे तुम हेलबॉय कहते हो। क्या तुम उसका नाम जानना चाहोगे? प्रोफेसर ब्रूम कहते हैं कि नहीं, वो मेरा बेटा है और तुम इस सच को कभी बदल नहीं सकते। और इसके बाद प्रोफेसर ब्रूम कहते हैं कि मैं तैयार हूँ, और कार्ल उन्हें मार देता है। और जब ये बात हेलबॉय को पता चलती है तो वो वापस आता है और अपने पिता की यानी कि प्रोफेसर ब्रूम की डेड बॉडी को देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि हेलबॉय का इस दुनिया में प्रोफेसर ब्रूम के अलावा कोई भी नहीं था। यहाँ पर प्रोफेसर ब्रूम की बॉडी के पास उन्हें एक नोट भी मिलता है जिसमें सेबेस्टियन प्लेगबा नंबर 16 लिखा होता है, और ये मॉस्को से कुछ ही दूरी पर होता है, और इसीलिए हेलबॉय मायर लिस और कुछ एजेंट्स उस जगह तक पहुंच जाते हैं। इनके साथ एब नहीं आता क्योंकि एब की तबीयत ठीक नहीं है, वो घायल है, और अब इन्हें वहां पर पुराने खंडर दिखते हैं और ये सब के सब उसके अंदर चले जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, और साथ ही साथ इन पुराने खंडरों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं। इनके सामने कार्ल आ जाता है। कार्ल वही है जिसने प्रोफेसर ब्रूम को मारा होता है, और वो हेलबॉय पे हमला कर देता है, लेकिन हेलबॉय उससे बहुत ताकतवर है और उसे पता है कि इसने मेरे पिता को मारा था, इसीलिए हेलबॉय उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। लेकिन अब तक हेलबॉय से लिज और जॉन मायर अलग हो चुके होते हैं, और इन्हें वहां पर उस जीव का नया ठिकाना भी मिल जाता है जिसे सैमल्स कहते हैं, और वहां पर उसने काफी सारे अंडे दिए होते हैं, और यहाँ पे उसी तरह के कई सारे जीव होते हैं, और ये सब के सब उन पर हमला कर देते हैं। हेलबॉय उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने सारों के साथ एक साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। लिज ये सब देखकर जॉन को बोलती है कि मुझे थप्पड़ मारो ताकि उसे गुस्सा आए और वो अपनी आग की पावर को इस्तेमाल कर सके। जॉन मायर ऐसे करता है और तभी उसके हाथ में आग जलना शुरू हो जाती है। वो जॉन को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और जॉन एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, और इसके बाद लिज अपनी आग की पावर से वहां पर जितने भी वो जीव होते हैं और उनके अंडे होते हैं उन सब को जलाकर राख कर देती है, और उन सब के खात्मे के साथ साथ लिज और हेलबॉय दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब हेलबॉय को होश आता है तो वो देखता है कि उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ है, उसके आगे ग्रिगोरी और उसकी शिष्य इल्सा होती है, और वहां पर लिज भी होती है जो अभी भी बेहोश है, और जॉन मायर को बंदी बनाया हुआ है, और वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर भी होता है। ये सन 1908 में आसमान से गिरा होता है और ये दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने का रास्ता होता है। दरअसल आज ग्रहण की रात होती है और ग्रहण की रात को दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला जा सकता है। ग्रिगोरी हेलबॉय को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा एक हाथ इतना बड़ा क्यों है? दरअसल ये दूसरी दुनिया का ताला खोलने की चाबी है, और अब तुम हमारे लिए दूसरी दुनिया का ताला खोलोगे। हेलबॉय मना कर देता है। ग्रिगोरी बोलता है कि शायद तुम लिज की आत्मा के बदले दरवाजा खोलना चाहोगी, और वो लिज की आत्मा को निगल जाता है। ग्रिगोरी हेलबॉय को बोलता है कि अगर तुम लिज को वापस पाना चाहते हो तो उसकी आत्मा दूसरी तरफ इंतजार कर रही है, जिसके लिए तुम्हें दरवाजा खोलना ही पड़ेगा।
हेलबॉय उन तालों को, उन फंदों को तोड़ने की कोशिश करता है। ग्रिगोरी बोलता है कि तुम्हारा असली नाम इन तालों पर लिखा है, तुम इन्हें नहीं तोड़ सकते, तुम अपना असली नाम पुकारो। हेलबॉय बोलता है ठीक है, लिस की खातिर। ग्रिगोरी बोलता है बोलो अनुग उन रामा, और हेलबॉय भी ऐसे ही बोलता है। और जैसे ही वो अनुग उन रामा बोलता है, उसके ताले खुल जाते हैं, और साथ ही साथ जो उसकी सींग जो कि कटे हुए होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, वो पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं, जिनमें आग चल रही होती है। और वो उस पत्थर के पास जाता है जो सन 1908 में आसमान से गिरा था, जो दूसरी दुनिया का रास्ता है। और हेलबॉय का हाथ उस पत्थर को, उस दरवाजे को खोलने की चाबी है। यहाँ पर ग्रहण पूरी तरह से लग चुका है, और हेलबॉय उस पत्थर के अंदर एक छेद होता है, उसमें हाथ डालता है, और जब वो उसे घुमाता है तो एक तेज रोशनी ऊपर की तरफ जाती है, और वो सीधा चांद से टकराती है, और दूसरी दुनिया का रास्ता खुल जाता है। और उस दुनिया में ओग्रू जहाज, जो कि शैतानी शक्तियों का देवता होता है, जो शीशे की दुनिया में कैद होता है, वो आजाद हो जाता है। इसके बाद हेलबॉय को एक और ताला खोलना है, जिससे वो हमारी दुनिया में आ जाएगा। और जब वो ऐसा करने वाला होता है, तभी जॉन मायर उसे बोलता है कि तुम भूलो मत कि तुम कौन हो। और वो उसकी तरफ उसके पिता का, यानी कि प्रोफेसर ब्रूम का गले का क्रॉस फेंकता है। और जब हेलबॉय उसे देखता है तो उसे अपनी अच्छाई, अपने पिता के सपने की याद आ जाती है, और वो अपने वो सिंह जो अभी अभी पूरी तरह से उग चुके, उन्हें तोड़ देता है। और उनके टूटने के साथ ही दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है। ग्रिगोरी बोलता है कि तुमने ये क्या किया। हेलबॉय बोलता है कि मेरी मर्जी, और जो सिंह उसने तोड़ा होता है वो ग्रिगोरी के शरीर के आर पार कर देता है। इसके बाद वो लिस को उठाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन ग्रिगोरी अभी भी मरा नहीं होता। वो कहता है देखो तुमने क्या किया, तुमने मुझे मार दिया और जन्म दिया एक भयंकर दानव को, और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा विशाल दानव निकलता है, और वो सबसे पहले इल्सा को मार देता है, जो कि खुद ग्रिगोरी के साथी होती है। और इसके बाद वो हेलबॉय पे हमला करता है, और हेलबॉय उसका मुकाबला करता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली होता है। हेलबॉय के पास ग्रेनेड्स भी होते हैं। हेलबॉय अपने आप को उसके पेट के अंदर जाने देता है, और जब वो दानव हेलबॉय को पूरी तरह से निगल जाता है, तो हेलबॉय उसके पेट के अंदर ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस दानव के चितड़े उड़ जाते हैं, और इस तरह से उस दानव का अंत हो जाता है। हेलबॉय बचकर बाहर निकल जाता है, और वो लिज और जॉन मायर के पास जाता है। लिज अभी भी अचेत होती है, और वो लिज के कान में कहता है कि तुम तो मेरी थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। और तभी लिज को होश आ जाता है, वो हेलबॉय के गले लग जाती है। वो हेलबॉय से बोलती है कि उस अंधेरे में मुझे तुम्हारी आवाज आ रही थी, तुम क्या बोल रहे थे। हेलबॉय कहता है कि मैं कह रहा था कि एक जहन्नुम के रखवाले, इसे छोड़ दो, अगर मैं उस तरफ आया तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। और इस तरह से इस कहानी का एक सुखद अंत होता है। इस कहानी में लेखक ने ये बताया है कि हेलबॉय एक बुरी दुनिया का, काली दुनिया का इंसान जीव होता है, लेकिन प्रोफेसर ब्रूम के प्यार और उनके अच्छे संस्कार से वो पूरी तरह से बदल जाता है। वो मानवता के हित के लिए काम करता है, हमेशा इंसानियत को आगे रखता है, और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करता, जबकि कई बार खुद इंसान इंसान होने के बाद भी ऐसे काम करता है जो इंसानियत के खिलाफ होते हैं, और जिससे हमेशा तबाही आती है। ये फिल्म रिलीज हुई थी ईयर 2004 में। इस फिल्म की आईएमडीबी पे रेटिंग है 6.8। इस फिल्म का बजट था $66 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $99 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।